तमाम जो हमने यहाँ पर नए नए कार्यक्रम दिए, ये चार वर्ष का मौका अगर पार्टी मुझे नहीं देती तो इन योजनाओं को हम मैं नहीं ला सकता। महिलाओं का पति की पैतृक संपत्ति में खातेदार के रूप में उनकी हिस्सेदारी और एक हथियारी कल्याण योजना, मुख्यमंत्री हथियारी कल्याण योजना जो उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य के लिए अति संवेदनशील पहल है सरकार की। अब जिनको भी कल दायित्व मिलेगा वो उसका निर्वहन करेंगे, मेरी उनके लिए बहुत शुभकामनाएं हैं। और मैं अभी अभी माननीय राज्यपाल को अपना त्याग पत्र सौंप करके आ गया हूँ। जी विधायक, जिस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद इस्तीफा दे दिया, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी की विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और इस पार्टी में किस कार्यकर्ता का कहां पर उपयोग करना है, शायद पार्टी ने मन बनाया होगा उन्हें केंद्र में ले जाकर कहीं बैठाया जाए या फिर उनका उपयोग किया जाए, क्योंकि त्रिवेंद्र जी बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, श्रम मंत्री के रूप में बड़ा लंबा उनका अनुभव है और चार साल में जो ऐतिहासिक काम उन्होंने किए हैं, जितना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप पिछले 16 साल और उनके 4 साल की तुलना करेंगे तो ये 4 साल उस पर भारी पड़ेंगे। इतना विकास इस समय में हुआ है, अकेले मेरी विधानसभा में करीब 500 करोड़ से ऊपर के काम हमारे यहाँ हुए, तो निश्चित ही संगठन ने कुछ सोच कर ही निर्णय लिया होगा और जो होगा। तो लगता है विधायक जी जो ऐतिहासिक निर्णय लिया होता तो आला कमान हटाते नहीं? नहीं, देखिए उनका सोचता है कि उससे कहीं अच्छा उपयोग करना, क्योंकि अभी कल राज्यों में चुनाव है और यूपी के अंदर आप प्रभारी थे मिश्रा जी के साथ में और पूर्ण बहुमत की वही नहीं चलता कि यूपी के अंदर तो जातिवाद चलता है, वहाँ भी सरकार आप लाए, झारखंड में आप रहे, झारखंड में आप सरकार लाए, हो सकता है संगठन ने कोई इस प्रकार का निर्णय लिया हो तो मेरा बोला उचित नहीं है कि हाईकमान ने कुछ सोच के नहीं। तो कहीं लगा कि 40 विभाग अपने पास रखना कहीं भारी पड़ेगा? अब देखिए, तो विभाग तो सारे सही चल रहे हैं, कितने विभाग उनके पास है, अच्छा काम। नहीं, आप जैसे काबिल लोग भी थे विधायक है, उन पर विश्वास जता के कहीं ना कहीं लगता है गलत किया? नहीं, देखिए ये कहना उचित नहीं है, क्योंकि जो है विस्तार करना बिना केंद्र के सलाह के मुख्यमंत्री से कुछ नहीं कर सकते, कुछ भारतीय जनता पार्टी के अंदर सामूहिक निर्णय होते हैं, सारा का सारा ब्लेम हम अगर सीएम को दे तो ये उचित नहीं। आला कमान ने बार बार यही रिपीट किया कि ये डिसीजन लेना मुखिया का काम होता है, मुखिया जिसको बना सकता है उसके ऊपर नहीं। देखिए, डिसीजन यहाँ सामने निर्णय होता है, जब तक केंद्र से रिजेक्ट नहीं मिलती कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। चलिए, हम सवाल अब अगले जो मुख्य सीएम नए चेहरे होंगे, 10वें मुख्यमंत्री बनेंगे, तो क्या अपेक्षा क्या चाहते हैं, किस तरीके से सीएम चाहते हैं? देखिए, जो भी मंत्री बनेगा भारतीय जनता पार्टी का होगा और जिस प्रकार से 4 साल के सरकार का काम और मोदी सरकार के काम हम इनको लेकर जनता की बना दी वो अभी उसमें फाइनल को देना ये मीडिया प्रभारी।